हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव अहम में भागवत कलश यात्रा के दौरान मैक्स गाड़ी की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हाथरस में गांव अहम में आज भागवत कथा का आयोजन होना था। इससे पहले गाँव में कलश यात्रा निकल रही थी। इस कलश यात्रा में महिलाएं कलश लेकर चल रही थी और पीछे एक मैक्स पिकअप गाड़ी भी चल रही थी और डीजे बज रहा था। इस दौरान कुछ बच्चों ने वहां खेलते हुए गाड़ी के पीछे चढ़ गए। इसी दौरान एक-एक इस मैक्स गाड़ी के चालक ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने पर ये बच्चे गाड़ी से नीचे गिर गए और गंभीर रूप घायल हो गए। इसमें एक बच्चा निकट ही दीवार से भी जा टकराया। हादसे में 10 वर्षीय सागर पुत्र पिंटू और 12 वर्षीय राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सागर की इस गांव में ननिहाल थी। वह मूल रूप से हसायन कोतवाली क्षेत्र में गांव चीतीपुर का रहने वाला था। कई साल से अपने नाना के पास रह रहा था। घायल बच्चे का कराया जा रहा है उपचार। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल राकेश का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग गया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी, बच्चा कैसे, क्या हुआ है? किसी के एक्सीडेंट मार गया है। गांव का ही था। कहाँ पर घटना हुई है? एहन पर। सड़क पार कर रहा था क्या, कैसे? हाँ, पता नहीं था, मेरे को इतना तो नहीं है। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बता रहे, क्या नाम था बच्चे का? सागर। सागर, पिताजी का नाम? पिंटू। पिंटू कहाँ के रहने वाला बच्चा? बच्चा रहने वाला हसन का, ननसार में पढ़ता है। अच्छा, एहन में ननसार है। और रहने का गाँव कौन सा है इसका? प्रॉपर आसान है ना? हाँ, प्रॉपर चीतीपुर। चीतीपुर का रहने वाला है। कितने साल की उम्र होगी? ऐसा होगा 8-10 साल का होगा। अच्छा, तो गाड़ी किस चीज़, कौन सी गाड़ी थी ये नहीं पता? गाड़ी पता मालूम पड़ गया, गांव का ही है। गांव की फोर व्हीलर गाड़ी है। फोर व्हीलर है।